ये देखो भाई, इंडो कैनेडियन की मल्टी एक्सल मर्सिडीज की, मर्सिडीज बेंज की। और टेम्परेचर की बात करें भाई, यहाँ पे भी 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, गजब की बारिश हो रही है भाई। और देखो भाई, और ये दिखाता हूँ 2% के लिए अटैच, इसमें वॉशरूम आपको मिल जाएगा देखिए विद गीजर के साथ, और ये वाला आपको रूम मिल जाएगा देखो, नीट एंड क्लीन बेडिंग वगैरह, ये कर्टन वगैरह, टीवी भी मिल जाएगा देखो, अलमारी है एक वो है, बाकी यहाँ पे एक बालकनी भी मिल जाएगी देखो, सफाई चल रही है, सामने से आपको व्यू मिल जाएगा देखो भाई, क्या बढ़िया व्यू नज़ारे भाई। ए भाई इंडो कैनेडियन देखो भाई, इससे निकाली नहीं जा रही भाई गड्डी, हल्का हल्का फ्लो, और यहाँ से देखो वही है पुराना अपना जो हो रखा है, जब त्रासदी आई थी वही बाढ़ वगैरह अभी भी वैसे ही पड़ा है, बस फ्लो पहले उस साइड से आता था अभी ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूं आप और आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हाजिर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए कौन है आप ब्लॉग लेकर के, और बात करें आज का ब्लॉग कहाँ का होने वाला है, आज का ब्लॉग में फ्रेंड्स बहुत स्पेशल होने वाला है, आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ पहाड़ों की तरफ, कहाँ पहाड़ों में, नॉर्थ इंडिया का टॉप टूरिस्ट स्पॉट जिसे बोलते हैं हम मनाली। यस फ्रेंड्स, फाइनली मनाली का एक ब्लॉग आ चुका है आपके लिए, अब ये मत बोलना मनाली का ब्लॉग क्यों बना रहे, बार बार ऑलरेडी बना रखा है, इसके पीछे एक रीजन है, जैसे कि आपको पता है आप अपकमिंग डेज में एनुअल टाइम पे अप्रैल में मई में समर वेकेशन का प्लान करने वाले हैं, अपना घूमने जाने वाले हैं, गर्मियां बहुत बढ़ चुकी हैं, पहाड़ों की तरफ मूव करेंगे, बर्फ कहाँ मिलने वाली, स्नो कहाँ मिलने वाली है, तो सोचा आप सबके लिए कवर कर लेता हूँ दिल्ली से मनाली का एक ट्रिप, और स्नो का जब सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल हुआ था मनाली का, उस टाइम मैं कश्मीर में था तब मैंने कवर भी नहीं की थी उस टाइम पे अपनी स्नो, और जिस बस से आज का हमारा सफर होने वाला उसका नाम है रियो ट्रैवल, जिसे मैंने बहुत पहले कभी ट्रैवल किया था, आज लक्ष्मी से नहीं होने वाला है, तो सोचा आपके लिए जर्नी भी कर लेंगे, रूट भी कवर कर लेंगे, और प्लस वहाँ पे ब्लॉग्स भी बनाएंगे स्नो के, तो जल्दी चलते अपना इंडियन ऑयल पंप, अपना मजरू टीला, जहाँ से हमारी बस का टाइमिंग है 9:50 का, भी यहाँ पे 9:20 का टाइम हो रहा है, टाइम है अभी 20 से 25 मिनट है, तो जल्दी चलते हैं। देखिए गेट नंबर 2 से मैं बाहर आया हूँ विधानसभा के, और आप भी बोल रहे हैं भाई अभी तो आप ऋषिकेश में राफ्टिंग कर रहे थे, पहाड़ों पे मसूरी में ब्लॉग बना दिया देहरादून से मसूरी का, अब आप मनाली चल रहे हैं, तो क्या करें भाई, आप सबके लिए ब्लॉग बनाना बहुत जरूरी है। स्टेशन से तूफानी रिक्शे की सवारी अपनी, ये फ्रेंड सामने देख सकते हैं इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, और हमारे रिक्शे वाले भाई ने हमें यहाँ पे उतार दिया है, यहीं पे आपको आना पड़ेगा, फिलहाल इनका ऑफिस भी है, ऑफिस बिल्कुल आपको अपोजिट साइड पे मिलेगा, उस साइड पे हो रहा है रियो ट्रैवल का, वहाँ पे ऑफिस मिल जाएगा आपको, वहाँ तो मैं जाऊँगा नहीं, मैं फिलहाल यहीं पे वेट करने वाला हूँ, तो यहीं पे वेट करेंगे, 9:30 के आसपास टाइम हो रहा है, और यहाँ पे टाइम जो हमारी बस का वो है 9:50 के आसपास, इन सामने बस देख सकते हैं अपनी आ चुकी है, 9:50 का टाइम था, 9:55 पे आई है भाई, और भी पैसेंजर्स फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुके हैं, जो भी यहाँ से बोर्ड करने वाले अपनी बस को, यहाँ पे अपना लगेज रखवा सकते हैं भाई, मैं तो दे रहा हूँ, ये लो भैया सिंगल है मेरा, छोटा वाला बैग मैंने अपने पास रखूँगा, ऊपर ही कैरी करके रख लेंगे भाई, अंदर लेके चलते हैं भाई, एज यूजुअल भाई बिल्कुल फ्रंट वाली सीट अपनी होने वाली है, यहाँ इसमें बैठ के आप जर्नी करने वाले हैं, ये सीट रहती है अपनी भाई, यहीं से कवर करने में सही रहता है आप सबके लिए पेंडेंट। आइए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा वॉल्वो का अपना इंटीरियर भी दिखाते हैं भाई, आपको थायरस मिलने वाला है यहाँ से, आपको कम्फर्ट मिल जाएगा, बाकी आपको चार्जिंग पोर्ट उस साइड पर मिल जाएगा, ये देखिए पीछे से ऊपर लगेज रखने के लिए छोटा कुछ स्पेस मिल जाएगा आपको, पैसेंजर भी आ रहे हैं भाई धीरे धीरे, बाकी एसी के वेंट वगैरह मिल जाएंगे आपको, रीडिंग लैंप मिल जाएंगे जले हुए देखिए, ठीक है ओवरऑल। ये निकल चुके हैं फ्रेंड्स अपना मजनू टीला से, जो अपना इंडियन ऑयल का अपना बोर्डिंग पॉइंट था 10:20 पे भाई। फ्रेंड्स अब सफर की कुछ बात कर लेते हैं, दिल्ली से मनाली तक का सफर हमारा कुछ 550 किलोमीटर का रहने वाला है, और टाइम हमें लगने वाला है कुछ 12 से 13 घंटे के आसपास, और बात करें रूट की, दिल्ली से निकल के अपना सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, अम्बाला से आगे चंडीगढ़ होते हुए निकलेंगे स्वारघाट, मंडी, कुल्लू, कुल्लू के बाद पहुंचेंगे मॉर्निंग में मेरे आसपास, कुछ अपडेट करें कितने बजे पहुंचेंगे वहाँ पे मनाली, और 1 से 2 कुछ रेस्ट स्टॉप हमारे रहने वाले हैं पूरे रूट पे, एक तो अभी 2 बजे के आसपास कुछ हो जाएगा, उसके बाद सुबह एक मॉर्निंग में होता है, और 12 से 13 घंटे का सफर अपना कुछ रिक्लाइनिंग सीट पे रहने वाला है, आराम से बैठ के सफर करेंगे, चिलिंग हो रखी है बढ़िया, कूलिंग हो रखी है भाई आराम से, यहाँ पे तो गर्मी हो रखी थी दिल्ली में तो, बाकी वहाँ देखते हैं पहाड़ों पे क्या टेम्परेचर है बढ़िया भाई, स्नो वगैरह दिखाएंगे आपको पहुँच के वहाँ पे। और बात करें डेट ऑफ जर्नी की, आज अपने 29th of March 2024, और बात करें बस के टिकट की, मैंने भाई रेड बस से टिकट बुक किया था, बाकी और भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, ऑनलाइन देखेंगे आपको पेटीएम पे मिल जाएगा, मेक माई ट्रिप है रेड बस से, जहाँ से भी आप कराना चाहते हैं वहाँ से करा सकते हैं। टिकट की बात करें, मेरे को कुछ ये आगे वाली टिकट मिली थी मेरे को 800 रुपये के आसपास समथिंग, क्योंकि मैंने 3 घंटे पहले करी थी, क्या मैं अभी आपको पता मसूरी से आया था, मसूरी से आती है कुछ रेस्ट करा, उसके बाद सीधा मैं बैक टू बैक जर्नी कर रहा हूँ, और देख सकते हैं बाकी आपको टिकट देखेंगे कुछ स्लॉट अलग अलग मिलेंगे, पीछे के टिकट्स कुछ और होते हैं, सेंटर के कुछ और होते हैं, आगे कुछ और होंगे, तो बाकी देखेंगे ऑनलाइन, और वीकडेज में वीकेंड में प्राइस थोड़ा अलग रहता है। ये 500 ml की पानी की बॉटल भी मिल जाएगी आपको, ये दिव्य जल की, और ब्लैंकेट भी होगा,
ये फ्रेंड्स अपना 70 माइल्स जोन पे अपना भाई रेस्ट स्टॉप आया है 11:45, ऑलमोस्ट लगा सकते 10:30 के आसपास हमारी बस निकली थी और यहाँ पे पहुँचे 11:45 में, है ना गजब भाई। सिटिंग एरिया ये देखिए भाई, एक्टिविटीज़ करने के लिए भी लगे हुए हैं, देखो यहाँ से कुछ ऑर्डर कर सकते हैं खाने पीने के लिए, साउथ इंडियन वगैरह है। तो एक कुल्हड़ वाली चाय का मज़ा लेंगे भाई, 40 रुपीज़ की है, बढ़िया है, मैंने पहले भी ऑलरेडी ट्राई किया हुआ इसका, ठीक है टेस्ट अच्छा होता है। देखो सिटिंग वगैरह है देख सकते हैं, बैठ के कुछ खा पी के ऑर्डर कर सकते हैं भाई। रियो की एक और बस जा रही है जो हमसे पहले है, ये देखो ब्लू कलर की। और ये देखिए भाई कुछ ग्रिल सैंडविच मैंने ले लिया था भाई मेट्रो से जब मैं आ रहा था, एक चाय और अपना ग्रिल सैंडविच। ये देखो इनकी एक और बस आ गई पिंक कलर की रियो की, इससे पहले ब्लू गई थी और एक ही है। चलो भाई अंदर चलते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग चल रहे हैं। लेग स्पेस भी भाई ठीक है आगे साइड पे, ओके ओके है। बाकी मैंने थाई रेस्ट ओपन करा नहीं, अभी निकल चुके भाई अभी यहाँ से अपना 45 मिनट का ब्रेक लेने के बाद। चलो भाई देख सकते हैं भाई यहाँ से अब इतना चंडीगढ़ से आगे बढ़े रूपनगर के आसपास ही भाई, गजब की बारिश हो रही है भाई। ओ देखो भाई सामने जा रही है अपनी HRTC धर्मशाला वाली, ये फ्रेंड्स अभी क्रॉस कर रहे अपना टोल, एंटर करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश में यहाँ से। देखिए 4:40 के आसपास, ये देखो भाई फिलहाल यहाँ पे हल्की सी बारिश तो रुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंट्री कर चुके हैं भाई अब यहाँ से आपको माउंटेन्स, अभी तो फिलहाल क्या कुछ नज़र आएगा यहाँ तो अंधेरा हो रहा है। ये फ्रेंड्स अपनी पहली टनल है भाई यहाँ से निकलते टोल प्लाजा से, टनल नंबर 1। बाइकर्स भी बैठे हैं यहाँ पे, पता है बारिश हो रही है यहीं पे बैठना सेफ है अभी। चलो 15 मिनट का ब्रेक है भाई पीछे, ये लो भाई बारिश। पहुंच चुके हैं अपना सेकंड रेस्ट स्टॉप पे सुबह मॉर्निंग में, वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात, कहाँ से हिमाचल प्रदेश की घाटियों से, बढ़िया ठंड हो रही है भाई, जैकेट मैं लेके आया हुआ था, जैकेट मैंने पहन लिया। ये देखिए 7:05 का कुछ टाइम है, सिंगल अपनी बस खड़ी। बारिश का बता दो फ्रेंड्स यहाँ पे रात में जब थे 3:30-4 के आसपास से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है भाई, हाईवे पे तो भाई गंदी वाली बारिश हो रही थी भाई, मुझे पता भाई कैसे भैया चला रहे थे भाई, आराम आराम से लेके आ रहे थे सेफ्टी से बिल्कुल। ये लो भाई ये अपना चाय के मजे बारिश में, उस 30 रुपीज़ की चाय यहाँ से मिल जाएगी आपको, खाने पीने के और भी आइटम मिल जाएंगे। चलो भाई हॉर्न बच चुके अपनी बस का, आधे घंटे का ब्रेक था यहाँ पे भाई, देखिए डल्टिन भी आ गई है इसमें ही भाई, हमने जर्नी बनाई हुई अपनी। और यहाँ से नया रूट जो देखो यहाँ से बना हुआ, पहले जब बस जो यहाँ से राइट जाती थी, अब यहाँ से देखो सारी बसेज यहीं से रूट बना दिया, पुराना वाला रूट है इसको ठीक कर दिया है। सामने से देखो HRTC आ रही है, अच्छा ठीक हो जाएगा, ये बता रहे हैं भाई कुछ दिन में आपको यहीं से जाने को मिलेगा, एक हफ्ते के बाद बता रहे हैं। देखो हरियाणा वाला हवाई जहाज आ रहा है भाई, ये हरियाणा शक्ति हरियाणा रोडवेज, अच्छा 1 अप्रैल से तो बता रहे थे कि 1 अप्रैल से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आगे जाकर के कौन सा जगह थी यहाँ पे पूरा स्लाइड हो गया था लंच लाइट से, कैंची मोड़, हाँ कैंची मोड़ पे भाई बहुत ज्यादा हुआ था, बहुत लैंड शेड हुआ था और रोड ही खत्म हो गया था वहां से,
तो ये जो रोड है यहीं से आना जाना हो रहा है फिलहाल। ये देखो भाई इंडो कैनेडियन की मल्टी एक्सल मर्सिडीज की, मर्सिडीज बेंज की, नया ड्राइवर निकाल नहीं पा रहा। वॉल्वो तो आराम से निकल जाती है यहाँ से मल्टी। ये भाई इंडो कैनेडियन देखो भाई, इससे निकाली नहीं जा रही भाई गड्डी, पीछे रह गया बंदा। वो भाई इंडो कैनेडियन वाला भाई मर्सिडीज वाला फंसा के बैठा पड़ा वो डॉक्टर है। ये भाई अपन तो निकल गया भाई, साइड दे दी उसने। तो फिलहाल अभी स्टार्ट ही नहीं है, अभी जल्दी इसका काम जब खत्म हो जाएगा यहाँ से आपको जाने का मौका मिलेगा, जाना और फिर वहाँ से आना है। ये देखिए आने वाले टाइम पे ये भी स्टार्ट हो जाएगा ब्रिज, फिलहाल तो काम चल रहा है यहाँ पे भी। जो टनल दिखाई थी वहाँ पे हो ना, देखिए भाई फिलहाल यहाँ से तो काम है हल्का हल्का चल रहा है अभी। कितना ऊंचा पिलर है भाई, देखो यार यहाँ से फ्रेंड्स अब टनल स्टार्ट हो जाएंगी। पुराना रास्ता नीचे से था, अब यहाँ से हम टनल से आ रहे हैं, टनल नंबर 11। अब काफ़ी सारी टनल स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ से इस रूट पर भी। 15 टनल है टोटल, 15 टनल। ये ख़त्म होती है एक और टनल स्टार्ट, ये टनल नंबर 12। फ्रेंड्स अपनी अपनी ओ टनल आ चुकी है, अगर आपको जीबी जाना है शानगढ़ बड़ा ट्रेंड में चल रहा है आजकल, तो यहाँ पे भी उतर सकते हैं, ये इसके आगे भी उतर सकते हैं आप। ये ओ टनल है यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं अपन। ये ले भाई, ये देखो भाई हल्के हल्के पत्थर भी गिरे पड़े हैं। ओहो हल्का हल्का फ्लो, और यहाँ से देखो वही है पुराना अपना जो हो रखा है जब त्रासदी आई थी, वही बाढ़ वगैरह अभी भी वैसे ही पड़ा है। बस फ्लो पहले उस साइड से आता था, अभी ये साइड से आ गया, अभी पूरा खत्म हो गया था पूरा हाईवे जो है पूरा यहाँ तक था, पूरा उस साइड तक था पूरा प्रॉपर। ये तो अभी पूरा तरीके से कर दिया है यहाँ पे ताकि यहाँ से बस वगैरह निकल जाए। देखो पूरा उस साइड से था। पहुँच गए भाई प्राइवेट पार्किंग मनाली की, सामने बसेस खड़ी में सारी। ये फ्रेंड्स अपना बैग अपना बाहर आ रहा भी निकलवा लेते हैं, शुक्र है भाई ऊपर रखा भीगा नहीं है। ये देखो भाई स्नो पड़ी हुई है, बर्फ देखो गाड़ी के ऊपर। 10:30 बजे निकले थे रात को, यहाँ पे 11:15 बजे के आसपास पहुँचे, मतलब ऑटोमेटिक लगा लो मतलब मोटा मोटी 12-12.5 घंटे के आसपास हमें टाइम लग गया भाई। बहुत अच्छी बस चलाई, सुबह के 4 बजे के आसपास 3:30-4 बजे के आसपास बारिश होना स्टार्ट हुई थी, जो मैंने रूपनगर के पास बताया था, तब से हैवी पूरी दबाए दब बारिश हो रही थी भाई, खतरनाक वाली भाई क्या बताऊँ। उस हिसाब से भाई ने बहुत सही पहुंचा दिया, 12-12.5 घंटे के आसपास टाइम लेके जबरदस्त। वरना जो हमसे पहले गाड़ियां निकली थी बसेस वो पहले पीछे है भाई। मनाली मॉल रोड पहुंच चुके हैं इस टाइम पे, देखो कितना क्लियर वेदर, ऊपर पूरा स्नो हो रखी है। और टेम्परेचर की बात करें भाई यहाँ पे भी 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब पता लग रहा कि भाई यहाँ पे पहुंच चुका, बोला नहीं जा रहा भाई। और दिल्ली में आप देखेंगे भाई टेम्परेचर कहाँ जा रहा था, 35 डिग्री के आसपास भाई सर्दी गर्मी, और यहाँ पे देख लो भाई क्या गजब का वेदर हो रखा है यहाँ पे। अपकमिंग डेज में प्लान कर रहे हैं तो भाई आप लोग आ सकते हैं भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्नो तो भर भर के मिलने वाली है आपको यहाँ पे, स्नो की कोई कमी नहीं है, बोल रहे हो ना बर्फ मिलने वाली है भाई, मई तक भी आराम से आपको स्नो मिलेगी। सामने मॉल रोड, 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस अपना होटल है भाई, होटल तशीला, यहीं मैं रुकता हूँ हमेशा। सामने अपने भैया खड़े हुए देख लो भाई, अभी है कुछ रूम अवेलेबल दिखा सकते हो अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल ये भाई रूम नंबर 102, ये विद अटैच वॉशरूम आपको मिल जाएगा भाई, देख सकते हैं कुछ वॉशरूम वगैरह विद गीजर। ये 2 बंदों के लिए बेडिंग यहाँ पे, 2-3 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, और एक कमरा ये भी अटैच है ये फैमिली के लिए भाई, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे 2-3 आ जाएंगे, देखो पूरा वुडन है, टीवी भी सेटिंग पूरा मिल रखा है, बहुत बढ़िया है। फैमिली के साथ आ रहे हो तो इसमें आराम से कितने लोग एडजस्ट होते हैं? 6-7 आ जाएंगे, 7-8 आराम से एडजस्ट होंगे। तो इसके रूम के रेट अभी कितने हैं? 2500-2200 रुपए के आसपास। बाकी नाम लेंगे एनी ब्लॉग्स का तो भैया जी आपको सही प्राइस भी लगा देंगे। अरे रूम नंबर 201-202-204 ये दिखाता हूँ, 2 पर्सन के लिए अटैच, इसमें वॉशरूम आपको मिल जाएगा देखिए विद गीजर के साथ, और ये वाला आपको रूम मिल जाएगा देखो नीट एंड क्लीन, बेडिंग वगैरह, ये कर्टन वगैरह, टीवी भी मिल जाएगा देखो, अलमारी है एक वो है, बाकी यहाँ पे एक
बालकनी में लेके देखो सफाई चल रही है, सामने से आपको व्यू मिल जाएगा। देखो भाई क्या बढ़िया व्यू नजारे भाई। ये अपना रूम नंबर 204 203 203 में आपको अटैच वॉशरूम भाई बढ़िया स्पेस मिल जाएगा। और ये आपको ट्रिपल बेडिंग है यहाँ पे, यहाँ पे भी दो और दो, यहाँ पे चार लोग एडजस्ट हो सकते हैं, तीन का है अभी सफाई चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। तो इस वाला ट्रिपल बेडिंग का क्या है? इसका ट्रिपल बेड का 1500 रुपए के आसपास है। अभी तीन से चार बंदे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी दो का कितना था? दो का 1200 रुपए चल रहा है भाई। अभी अपकमिंग डेज में अप्रैल में मई में आप प्लान कर रहे हो तो बैजी का नंबर आपको स्क्रीन पे दे दूंगा नाम। और एक ग्राउंड फ्लोर पे आपको रूम मिल जाएगा G2, G1 के बाद G2। और यहाँ पे दो पर्सन के लिए एक बेडिंग मिल जाएगी, अटैच वॉशरूम है। और वॉशरूम का क्या है, एक ही वॉशरूम मिलेगा इसके साथ सेम, आपको एक दरवाजे के साथ ये भी अटैच है दो पर्सन के लिए, बस यहाँ पे वॉशरूम नहीं मिलेगा आपको, ये वॉशरूम आपको चारों के लिए एक ही सिंगल मिलेगा। तो ये भी आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, अच्छा है ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी का रूम का रेट आपको पड़ जाएगा यहाँ पे 1800 से 2000 रुपए के बीच, मतलब 4 से 5 लोग आराम से एडजस्ट आपके हो जाएंगे। तीनों चारों रूम मैंने आपको दिखा दिए, सारी चीजें मैंने आपको कवर कर ली, रूम भी दिखा दिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ये लेना चाहते हो ये ले सकते हो, बाकी बहुत सारे मॉल रोड में बहुत सारे होटल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको सही लगता है, बजट लगता है वहाँ पे आप ले सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट था दिखाना आपको बजट फ्रेंडली, ताकि आपको आराम से स्टे मिले। फ्रेंड इस वाले रूम में मैं रुकने वाला हूँ, बैग वगैरह मैंने रख दिया है। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं मनाली आने के लिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए, के साथ जो भी अपकमिंग डेज में कर रहे हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी मेरे इस व्लॉग से। फ्रेंड्स मनाली मॉल रोड के पास से तशील होटल से आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा, अपने अपने फैमिली का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। अपकमिंग डेज में मनाली आने का प्लान बनाइए जल्दी से, स्नो पड़ी हुई है, स्नो बहुत सारी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ।